हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5SPN एनएआरबी। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि डेली सुबह 9 बजे जो है अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग मंडे टू फ्राइडे जो है वो प्रीवियस ईयर के जो अपने रेलवे के सवाल है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे, ताकि आप सभी को जो है एक अच्छा सेशन मिल सके और काफी सारे सवाल है जो कि हम लोग कवर करेंगे। आने वाले 25 मिनट हमारे पास में अवेलेबल है। 25 मिनट के अंदर हम लोग नियर बाय 30 के आसपास क्वेश्चन है जो कि कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एग्जाम में जो है वो कैसे कैसे सवाल है जो कि आपके फिर से आ सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप अपना रेफरल कोड जो है वो 10% BHU10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि किसी भी एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे आपका कोई रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो इंडिया के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि 1 जून से दोस्तों नया फाउंडेशन बैच है, न्यू फाउंडेशन बैच जीके का, जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं अनअकैडमी प्लस में SSC कैटेगरी के अंदर। तो ज्वाइन कर लेना, ये आपके लिए बहुत काम का होगा क्योंकि यहां पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ है जो कि आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं गाइस पहले क्वेश्चन की तरफ। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए। हमेशा की तरह दोस्तों नियर बाय 20-30 के आसपास, 25-30 के आसपास क्वेश्चन करेंगे 25 मिनट के अंदर। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बता दो। किसके द्वारा बनाया गया था? सभी को मालूम होगा राजा राज चौल के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना है, चौल प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना है जो कि करी गई थी 1003 से लेकर 1010 AD के बीच में इसकी स्थापना करी गई थी। और ये कहां पर है? बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, इसको दक्षिण मेरू के नाम से भी कहा जाता है, यूनेस्को भी साइट है, ग्रेट लिविंग चौल टेंपल में आता है। बिल्कुल सही है जवाब आपका यहां पे। कावेरी रिवर के पास में दोस्तों तंजावुर के अंदर है, यानी कि तमिलनाडु के अंदर है, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। दैचिकम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के। अगर आपको 80% क्वेश्चन आते हैं ना अगर आपको NTPC के, तो यकीन मानिए रेलवे के एग्जाम में आपको कोई समस्या आएगी नहीं, आप इजीली जो है वो कर लोगे। जल्दी से आंसर करिए, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखो गाइज ये बात का ध्यान रखना, कोशिश करना कि जो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपको करवा रहा हूं ना यहां पर, प्रीवियस ईयर के जो हम लोग जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपको 80% डेली जो है वो क्लास में आंसर आने चाहिए। अगर डेली क्लास में आप 80% आंसर मार रहे हो तो आपकी जीके बहुत अच्छी है और आप आने वाले रेलवे के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन अगर आपके 80% सही नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपको या तो जीके वापस से पढ़ने की जरूरत है या फिर रिविजन करने की जरूरत है, समझ गए? तो अपना लेवल जो है वो चेक कर लेना। डेली मैं आपको 25 से 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, आने वाले 1-2 महीने के अंदर पूरे सवाल हो जाएंगे, समझ गए? चाहे मैं कराऊं ना कराऊं, मैं करवा दूंगा, रोहित सर करवा देंगे, जो भी करवाएगा आपको, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवा देंगे, समझ गए? इससे आपके 2 फायदे हैं, एक तो आपका रिविजन हो रहा है, एक आपको पेपर का पैटर्न पता लग रहा है, तीसरा आपको खुद को टेस्ट करने को मिल रहा है। ठीक है, 3 फायदे इसके। तो मैं कराऊं, रोहित सर करवाए, कोई भी करवाए, लेकिन करवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। और यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर सही आंसर है, दैचिकम दोस्तों वहीं पर ही है, हेमिस भी लद्दाख वाले एरिया में ही है, देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वही है, समझ गए? चलिए, भारत के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? स्नो लेपर्ड के लिए जो है वो बहुत ही फेमस है, कश्मीरी स्टैग के लिए भी बहुत फेमस है। हा, सलीम अली भी वहीं पर ही है, सलीम अली जो कि देश के बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो भी श्रीनगर के अंदर ही है, सलीम अली नेशनल पार्क, या फिर उसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं, समझ गए मेरी बात? चलिए, प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन कौन है? बिल्कुल सही जवाब है, NK सिंह आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइज, आपको मालूम है इनका जो कार्यकाल है वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन इस बार 2020 से 2021 और 21 से जो है वो 26 तक दोस्तों, 26 तक है जो कि इस बार हो गया है। 15th फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपका 280 है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, पेपर में डायरेक्टली सवाल है जो कि बनता है, तो बी आपका यहां पे सही जवाब है। ठीक है गाइज,
चलिए ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपको बताना है। आंसर बताइए गाइज। अंकित बोल रहे हैं 60 नंबर रॉ है आरआरबी एनटीपीसी ओबीसी कैटेगरी में चंडीगढ़ से। अंकित आप ये मान लो वर्ष पे ही हो, आप ऊपर वाले का सहारा चाहिए आपको बहुत भयंकर वाला, अगर 70 होते तो थोड़ा बेटर रहता, बाकी 60 में 50-50 चांसेस है। चलिए बिल्कुल सही है, आंसर बताइए क्या होगा। पेरिस ए आपका सही आंसर है, ओईसीडी का हेडक्वार्टर दोस्तों यही पर ही है। 1948 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, और कैनेडियन अमेरिकन थे मार्शल, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है गाइज, सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी, जोज एंजल है जो कि अभी इसके सेक्रेटरी जनरल है। ड्यू टू लैंडस्लाइड विच टाइप ऑफ माउंटेन इज फॉर्म्ड, कैसा माउंटेन है जो कि लैंडस्लाइड की वजह से बनता है। मेंबर कितने हैं ओईसीडी के, है ना, मेंबरशिप भी ध्यान रखिएगा, 37 कंट्रीज के पास है इसकी। ठीक है बताइए कौन सा माउंटेन है जो कि लैंडस्लाइड की वजह से बनता है। बिल्कुल सही है, ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं ना ये दोस्तों इसी की वजह से बनते हैं, ऐसे वाले जो होते हैं ना ऐसे वाले, ठीक है वो इसी की वजह से होते हैं, लैंडस्लाइड की वजह से दोस्तों बनते हैं, जैसे कि है ना आपको अल्बर्टा के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके चलिए, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहां पर आयोजित है जो कि करवाए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे ना उनके द्वारा खेले जाते हैं, जल्दी बताइए। दुनिया में सबसे पहली बार दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम जो करवाए गए थे, देखो सबसे पहले इंटर एम्पायर चैंपियनशिप हुआ करती थी, एक होती थी सबसे पहले इंटर एम्पायर चैंपियनशिप, यूके के अंडर में सारे के सारे कंट्री थे ये, समझ गए, ये हुई थी 1911 के अंदर। ठीक है ये हुई थी लंदन के अंदर, उसके बाद इसको तो कर दिया गया था बंद और कॉमनवेल्थ की शुरुआत कर दी गई थी। तो कॉमनवेल्थ की शुरुआत 1930 में करी गई कनाडा के अंदर, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स है जो कि हम लोग कहते हैं, समझ गए। 2018 का आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का जो गोवा है उसको बोलते हैं गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का क्या है, गोवा है। ओके और 2022 के जो हो रहे हैं वो कहां पे हो रहे हैं, बर्मिंगम के अंदर हो रहे हैं। बर्मिंगम कहां पर है, इंग्लैंड के अंदर है, समझ गए मेरी बात। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2026 का भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो 2026 का अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझ गए मेरी बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 2018 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, आंसर बताइए। पद्म भूषण बिल्कुल सही है, एमएस धोनी आपका यहां पे सही जवाब है। ठीक है एमएस धोनी दोस्तों फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन थे, उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ठीक है ध्यान रखिएगा, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से कब हुई थी, जल्दी बताइए कितनी तारीख को हुई थी। अरे आवाज चली गई 1857 के बारे में बताइए, मेरठ से दोस्तों कब इसकी शुरुआत है जो कि हुई थी। सिपाही म्यूटनी हम इसको कहते हैं, ग्रेट रिबेलियन भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहा गया है ना, बहुत सारे नाम इसको दिए गए। चलिए बिल्कुल सही है, 10th में आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब है, सी आपका यहां पे सही जवाब है। ठीक है गाइज, तो 1857 पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, करवा रखा है इसके ऊपर वीडियो हिस्ट्री के अंदर। ठीक है और 1858 के अंदर जो है कनिंग थे, मतलब उस टाइम पे गवर्नर जनरल, पहले तो गवर्नर जनरल थे उसके बाद में वाइसरॉय बन गए थे वो 1857 के बाद में। ठीक है चलिए,
दिल्ली के अंदर कौन थे लीडर? बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ में हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुनवर सिंह, लियाकत अली थे आपके इलाहाबाद में। तो ये सारे लीडर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत द्वारा 1974 में आयोजित पोखरण परीक्षण का क्या नाम था? 1974 में जब हमने दोस्तों सेकंड टेस्ट के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है? फर्स्ट के बारे में बात हो रही है। सेकंड तो हमने 1998 में किया, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे फर्स्ट वाला किया था। सेकंड वाले का तो शक्ति था, सेकंड वाले का जो नाम था वो था शक्ति, ठीक है। फर्स्ट वाले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, समझ गए? तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? स्माइलिंग बुद्धा आपका यहां पे सही आंसर है, जो कि हो जाएगा तो डी आपका सही आंसर है यहां पे। इसके अलावा अमेरिका ने जो किया था ना, उसका नाम था ऑपरेशन ट्रिनिटी। अमेरिका ने जो अपना जो खुद का न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत, उसका नाम था ट्रिनिटी, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया। ये तो एक तरीके से करंट अफेयर का सवाल ही है, जो कि पूछा गया था पहले। आपको मालूम होगा 9.02 किलोमीटर की है, और बहुत ही मोदी जी इसके अंदर हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, और आगे सामने कोई भी नहीं था, अकेले ही हाथ हिलाते हुए जा रहे थे इसके अंदर, याद है क्या आपको? हाँ, तो बस वही वाला टनल है जिसका नाम, जो कि मनाली से आपके लेह तक जाता है, ठीक है। मनाली से लाहौल तक जाने वाला, लेह तक तो क्या जाएगा, खैर मनाली से लाहौल स्पीति वाला जो एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलता है, जिसको स्पीति वैली जाता है। इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। ये आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है गाइज। आरटीआई आरबीआई अधिनियम डैश को अधिनियम किया गया था? आंसर बताइए। और ये जो श्याम प्रसाद चेनानी जो वाला जो टनल है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है चेनानी श्यामा जो है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है, जो आपका ये वाला जो है ना, ये आपके जेएनके के अंदर है, NH-44 के ऊपर इसको बनाया हुआ है, जो कि लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है, रोड टनल है ये भी एक तरीके से, समझ गए? चलिए ठीक है, बताइए भाई। आरटीआई आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1935, जल्दी बताइए कब आया था ये? ये इनेक्ट किया गया था 2005 में। बहुत ही मुश्किल सवाल है, ठीक है, लेकिन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, समझ गए मेरी बात? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, जिसमें सिटीजन ऑफ इंडिया को एक्सेस मिलता है कि वो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से दोस्तों सवाल कर सकती है, समझ गए मेरी बात, 2005 में आया था। चलिए, डीआरडीओ का मुख्यालय कहां लॉन्च किया गया? डीआरडीओ हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है, जल्दी से बताइए। आप सभी को मालूम है सतीश रेड्डी जी है, जो कि अभी हमारे डीआरडीओ के हेड है, और आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ। 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताइए? 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए, बहुत ही सिंपल सवाल है गाइज। आईएनसी के प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा पेपर में याद करके जाने हैं आपको, ध्यान रखिएगा, पेपर में हमेशा आईएनसी के प्रेसिडेंट याद करके जाने ही हैं, ठीक है गाइज, ओके ओके। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, डब्ल्यू डी बी सी इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, डी बी जे सॉरी, ठीक है, डब्ल्यू डी बी जे, जैसे कि सबसे पहले आपके हो गए डब्ल्यू सी बैनर्जी, फिर दादाभाई नेहरू जी, फिर कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, फिर जॉर्ज यूल थे, समझ गए, 85, 86, 87, 88 के अंदर,
और 24 के अंदर हमारे थे दोस्तों एकमात्र बार बनने वाले महात्मा गांधी जी। ठीक है गाइज, तो महात्मा गांधी जी जो है वो प्रेसिडेंट बने थे, आप सभी को मालूम है 1924 की कॉन्फ्रेंस के अंदर। और ये कहां पर हुई थी? ये बेलगांव के अंदर हुई थी। 50 बार ये सवाल है जो कि रिपीट होता है, समझ गए। और बेलगांव कहां पर है? ये आपके कर्नाटका के अंदर। ओके, चलिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर, इसके बारे में पहले भी दोस्तों आपको कई बार जो है वो बता चुका हूं। चंबल वैली प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, याद है आपको, चंबल वैली प्रोजेक्ट। जिसके तहत क्या कर रखे हैं हमने? डैम से दोस्तों जो कि हमने बना रखे हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, याद है सबको? गांधी सागर, राणा प्रताप हो गया, जवाहर हो गया, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सब दोस्तों इसी के ऊपर है। ठीक है, तो आपके बी चंबल आपका सही जवाब होगा। ठीक है गाइज, गांधी सागर डैम जो है वो चंबल रिवर के ऊपर है मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1954 में इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। ठीक है, और ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसकी? एक तो बनास ट्रिब्यूटरी है चंबल की, है ना, जो कि राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर जिले में देखने को मिलती है, और एक मेज नाम से एक और है। इसके अलावा काली सिंध है, शिप्रा के बारे में आपने सुना होगा, एक काले सिंध के बारे में सुना होगा, ये सारी आपको चंबल की ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है। और ये चंबल जाके यमुना में जो है वो मिल जाती है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहां से होती है? एमपी से होती है, जनापाव नाम की जगह है, वहां से इसकी शुरुआत है जो कि होती है। ठीक है गाइस, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? बच्चों वाला सवाल है एकदम। इंडोनेशिया की करेंसी तो होती है दोस्तों रुपया, हमारा एक रुपया उनका 200 रुपया के बराबर है, और जकार्ता इसकी कैपिटल है। ठीक है, चलिए, वर्ष 2020 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? जल्दी बताइए, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020, आंसर बताइए, जल्दी जल्दी करो भाई आंसर, यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। आईसीसी अवार्ड्स के बारे में बात कर रहा हूं, आईसीसी अवार्ड्स, हाँ आईसीसी अवार्ड के अंदर बिल्कुल सही है, विराट कोहली आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइज, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी विराट कोहली, लड़कियों में थी, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, पैरी एलसी एलिसे पैरी को महिलाओं के अंदर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और आईसीसी जो टेस्ट मैन के लिए जो मिला था वो किसको? स्टीव स्मिथ को मिला था, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड वो स्टीव स्मिथ को मिला था। ओडीआई में भी विराट कोहली को मिला था, राशिद खान को T20 के अंदर मिला था, याद है ना सब कुछ। हाँ चलिए, ओलंपिक 2000, ये तो यार बच्चों वाला सवाल है, मत ही पूछो उसको तो। ठीक है, और चलो अगले वाले का इसको सवाल को चेंज कर लेते हैं, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। 2026 का ओलंपिक बता दो, 26 में होगा अब तो, खैर 22 में, ठीक है, मतलब खैर ये 2000 वेन्यू ओलंपिक 2021 में करवाए जाने की बात हो रही है वैसे तो खैर, लेकिन अब देखते हैं मतलब कब होने वाले हैं ओलंपिक, खैर कुछ कह नहीं सकते अभी तो, इसको लेकर काफी ज्यादा अभी तो खैर कश्मीर चल रही है। जल्दी बताइए भाई वेन्यू के बारे में ओलंपिक गेम्स के, आंसर बताइए। हाँ देखो टोक्यो वाला तो है ही, टोक्यो के बाद कहां पे होगा मुझे ये बताना है, आपको ये आंसर देना है कि टोक्यो के बाद में कहां पे होगा,
हाँ समर ओलंपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे कह रहे 2022 में विंटर ओलंपिक के बारे में भी बात हो सकती है, लेकिन वो हम लोग सवाल पहले कर चुके हैं इसलिए हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे। देखिए इसका शेड्यूल देखो क्या है, एक्चुअली में 2020 का तो है टोक्यो में, अभी कह रहे वो 21 में होगा और 21 में भी क्या पता 22 में भी हो सकता है, वो कोई पता नहीं है उसका। 2024 की बात करें तो अगला वाला 24 में होने वाला था, जो कि होने वाला था, होगा मतलब पेरिस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में 2028 का जो होगा वो होगा आपके एलए के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर, ठीक है गाइस। एक तो ये वाली बात हो गई, अब हो सकता है अब यहाँ पे देखो ऑप्शन के अंदर जो है वो समर ओलंपिक आपको नहीं है, तो विंटर ओलंपिक दो दो साल के गैप में होते हैं, है ना, दो दो साल के गैप में होते हैं विंटर ओलंपिक। तो 2022 में अगर समर ओलंपिक, 20 में समर ओलंपिक होने वाला था, तो 22 के अंदर यानी कि विंटर ओलंपिक है जो कि आपका करवाया जाएगा, ठीक है गाइज। तो अब विंटर ओलंपिक कहां करवाया जाएगा, ये आपके करवाया जाएगा बीजिंग के अंदर 2022 का, हर दो दो साल में होते। टोक्यो में 2020 का समर ओलंपिक होना था, तो यहां पे प्रिटी ऑब्वियस है कि आपका जो वेन्यू पूछा जा रहा है वो विंटर का पूछा जा रहा है, क्योंकि 2022 तो विंटर वाला ही है, ठीक है। और ऑप्शन भी आपके विंटर के हिसाब से ही दे रखे हैं। अगला वाला जो होगा वो आपके मिलान में होगा, इटली के अंदर होगा 2026 का, ठीक है गाइस। चलिए बिल्कुल सही है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए आंसर। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बहुत ही सिंपल सिंपल आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है चार्ल्स डार्विन आपका, बिल्कुल सही जवाब है। थ्योरी ऑफ स्पीशीज बहुत ही फेमस किताब है जिसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बोला गया है। शुरुआत में लोगों ने इसको नकार दिया था, फिर बाद में पता लगा कि ये तो आदमी बहुत जीनियस था। तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तेलंगाना के गवर्नर कौन है, बिल्कुल सही है गाइस, तमिलिसाई आपका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन लिटरेचर पीस, इनके अंदर इस अवार्ड को दिया गया। इकोनॉमिक्स का तो खैर बहुत ही बाद में स्टार्ट हुआ है, उसको तो एक बैंक था रिजबिक बैंक, है ना, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया, बिल्कुल सही जवाब है 1901 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है गाइस। पीस वाला मिलता है ओस्लो में, बाकी सारे मिलते हैं स्टॉकहोल्म में। भारत में सेतु भारतनम योजना किस वर्ष शुरू करी गई, आंसर बताइए। मतलब ये था रेलवे क्रॉसिंग को जो है ना वो खत्म करना है, रोड के ऊपर रेलवे क्रॉसिंग आ जाती है ना, उसको खत्म करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी 2016 के अंदर, तो सी आपका सही आंसर होगा यहां पे। अक्टूबर 2020 में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, कौन थे या कौन है, एक ही थे, पहले भी वही थे अभी भी वही है, जल्दी बताइए अटॉर्नी जनरल। आंसर करिए भाई अटॉर्नी जनरल के बारे में, बिल्कुल सही है। हमारे देश के जो 15वें अटॉर्नी जनरल है वो अभी कौन है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा, के वेणुगोपाल। इनके नीचे दोस्तों सॉलिसिटर भी है जिनका नाम है तुषार मेहता, समझ गए। तो अटॉर्नी जनरल जो अभी है दोस्तों वो 15वें अटॉर्नी जनरल है, और पर केसेस के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ठीक है गाइज। और हमारे आर्टिकल 76 के तहत इनका अपॉइंटमेंट है जो कि होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, क्वालिफिकेशन वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, ठीक है। 2017 में इनको बनाया गया, 3 साल का इनका वैसे टेन्योर होता है, लेकिन अभी ये थोड़े से आगे से चल रहे हैं, ठीक है गाइज। सबसे पहले हमारे देश में अटॉर्नी जनरल कौन थे, हमारे देश में सेटलवर्ड जो है ना वो सबसे देश में पहले अटॉर्नी जनरल थे, 1950 से लेकर 1963 तक दोस्तों यही है जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल थे नेहरू जी के टाइम पे, समझ गए मेरी बात। अभी नेक्स्ट कौन बनेगा, तुषार मेहता जी बनेंगे क्योंकि वो सॉलिसिटर है, तो वेणुगोपाल जी के बाद में वो बनेंगे। वैसे नॉर्मली 3 साल का कार्यकाल है जो कि इनका होता है, वैसे खैर कोई प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जब चाहे हटा सकते हैं, ऐसा कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं है इनका, ठीक है, लेकिन नॉर्मली 3 साल के आसपास है जो कि हम लोग मानते हैं, उससे पहले मुकुल रोहतगी थे।
चलिए, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको मानते हैं, आंसर बताइए। एक ग्रीक स्कॉलर थे दोस्तों, जिन्होंने पहली बार वर्ड जो है ना ज्योग्राफी काम में लिया था। क्या नाम है उनका? इनका आंसर हो जाएगा एरिस्टोस्थनीस। तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है गाइस, एरिस्टोस्थनीस जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, जल्दी बताइए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आप तो इसको आरटीआई के साथ में याद कर लो। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत आरटीआई के साथ 2005, इस तरीके से याद कर लो। सी आपका सही जवाब है। ठीक है गाइस, स्वीडिश एकेडमी किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वीडिश एकेडमी बहुत ही पुरानी एकेडमी मानी जाती है गाइस, और लिटरेचर के लिए दोस्तों बहुत ही फेमस है। ठीक है गाइस, नोबेल प्राइज लिटरेचर का इन्हीं के द्वारा दोस्तों चूज किया जाता है। तो ए साहित्य आपका सही जवाब होगा। इसको 1786 में किंग गोस्तोव के द्वारा बनाया गया था। एशिया खेल 2018 में 25 एम पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियन गेम्स 2018, एशियन गेम्स के बारे में भी बता दो भाई, कौन से कहां कहां होते हैं। सबसे पहले एशियन गेम्स हुए थे वो इंडिया में हुए थे, आप सभी को मालूम होगा। देश की आजादी के बाद में हमने एशियन गेम्स जितना बड़ा टूर्नामेंट करवा दिया, और आज देखो मतलब इतने साल हो चुके हैं। हमने देखो दो बार एशियन गेम्स करवाए, 1951 में भी और एक 1982 में भी। दोनों ध्यान रखिएगा, पेपर में 50 बार सवाल आते हैं, समझ गए मेरी बात। पहला 1951 में हमने करवाया था, राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जापान जो है उस टाइम पे नंबर वन पे हुआ करता था, और हमारे उस टाइम पे सिर्फ 6 स्पोर्ट्स है जो कि खेला करते थे, समझ गए मेरी बात। लास्ट टाइम 2018 का कहां पे हुआ था? ये वाला हुआ था आपके जकार्ता के अंदर। ठीक है गाइस, रानी भी आपका सही आंसर होगा। रानी ने उस टाइम पे गोल्ड मेडल है जो कि जीता था। और अभी 2022 का कहां पे होगा? ठीक है, जल्दी बताइए 2022 का। देखो इसमें काफी लंबी लिस्ट है, 2022 का तो होगा चाइना के हैंगशू में, 2026 का होगा जापान में, 2030 का होगा आपके कतर में, और 2034 का भी बोल दिया गया है कि सऊदी जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो लंबी लिस्ट है एशियन गेम्स के बारे में, समझ गए मेरी बात। सारे याद कर लेना, सारे तो खैर पेपर में तो ऊपर से 2-3 वाले पूछेंगे, सऊदी वाला नहीं पूछेंगे, लेकिन बाकी पूछ सकते हैं। चाइना का हैंगशू नाम का एक शहर है, वहां पर करवाया जाएगा। जापान का क्योटो नाम की जगह है, वहां पर करवाया जाएगा। कतर तो बेचारा छोटा सा है, कहीं करवा लो, एक ही बात है। सऊदी का है, रियाद में करवाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नगोया में होगा, नगोया जापान का जो है वो क्योटो में नहीं, नगोया के अंदर है। चलिए, अशोक का पहला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था, आंसर बताइए। आंसर बताइए गाइस क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, ब्रह्मी में लिखे थे उस टाइम पे, तो है ना। भारत में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मैक्सिमम तो आपको मालूम है अंडमान निकोबार के अंदर है। नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको अंडमान निकोबार में, टोटल 553 है, यानी कि सी आपका सही आंसर है। ब्राजील देश की राजधानी क्या है? ब्राजील बताइए। प्रेसिडेंट भी बता देना मेरे को कौन है। रियाल तो करेंसी चलती है, बिल्कुल सही है, ब्राजीलिया ए, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है गाइज, और यहां पे प्रेसिडेंट कौन है? बोल्सोनारो है, जो कि अभी यहां पे प्रेसिडेंट है, जो कि बने हुए हैं। ओके, और साओ पाउलो जो है ये एक सिटी है जो कि ब्राजील के अंदर है। सेल्वाडेर के बारे में बताइए, सेल्वाडेर क्या है, जल्दी बताओ। सेल्वाडेर भी आपके ब्राजील के अंदर सिटी है, कुटुबा भी सिटी है, तो बाकी तीनों तो सिटी है, लेकिन ब्राजील यहाँ पे कैपिटल है इनकी, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट सवाल, कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ में सीमा को छूता है? बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे, देख लो।
ठीक है, जम्मू भी छूता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तो आपका ई यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है गाइज, चलिए तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स लेना है तो आप BHU 10 या BHU 10 यूज कर सकते हैं। एक तरह से नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है जहां पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ जो है आपको जीरो से पढ़ाऊंगा। GK एक बार पढ़ लो, लाइफ में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अनअकैडमी पे SSC का प्लस होगा, 450 रुपए पर मंथ के समवेयर ज्वाइन कर लेना। ठीक है गाइज, चलिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।